प्रदेश भर में नगरपालिका कर्मचारियों के आह्वान पर जारी हड़ताल का असर अब जगह जगह देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद गंदगी के ढेर शहर में आम देखे जा रहे हैं। हालात अब इससे भी बेकार हो सकते हैं, क्योंकि मांगे पूरी ना होने पर कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल आगे बढ़ा दी है। वह इस बारे में आम लोगों का कहना है कि हड़ताल की वजह से पूरा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चला है, ऐसे में बीमारियां फैलने का अंदेशा है। वहीं नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं अगर जल्द ही सरकार ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांगों पर गौर नहीं किया तो। हमारी आज तीसरा दिन हो गया, मांगे मानी नहीं, इसलिए हड़ताल की 3 दिन का टाइम और बढ़ा दिया गया है। सरकार को 3 दिन हड़ताल हमारी और चलेगी, अगर फिर भी समाधान नहीं होता तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में जाएगी। जो नगरपालिका का जो 15 सूत्री मांग पत्र था उसको लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने इनका समर्थन किया है, और नगरपालिका जो सरकार निजीकरण कर रही है, प्राइवेट कंपनी का हाथों सौंप रही है, उसका सर्व कर्मचारी संघ विरोध करता है। और सरकार अगर बातचीत नहीं करेगी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी, और हमने आज घोषणा की है कि 3 दिन की और हड़ताल बढ़ा दी है। अगर सरकार बातचीत नहीं करती, सर्व कर्मचारी संघ भी हड़ताल में कूदेगा। हड़ताल चली, आज हड़ताल का तीसरा दिन है, लेकिन जो कविता जन निकाय मंत्री है, इसने अभी तक हमारे नेताओं से या हमसे किसी प्रकार की कोई बातें नहीं करी है। गंदगी है, घटिया सर, ये बिल्कुल यहाँ पे देखो, बिल्कुल सामने डाल के जाते हैं। यहाँ पे घर भी है और भी सब कुछ है। इंडियन एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।